गाइस ये दिल्ली वाली क्लाइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन इट। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन इस प्रोजेक्ट को हेड करना चाहेगा। आप मिस आई, वो जिम्मेदारी मैं लूंगा। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। एक काम बड़ा अच्छा किया आपने, रोहन को एमडी ना बनाकर बाहर का एमडी लिया। लेकिन आज अदिति की वजह से कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है ना? सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अदिति, आई लाइक यू टू मीट माय वाइफ गायत्री। गायत्री, अदिति सहाय। हाय अदिति। हाय मैम, सो नाइस टू मीट यू। यू नो, पहली बार इतना डिसिप्लिन में देखा है इसे। आप इसे छोड़ना मत, पकड़ के रखना। हाँ, अच्छा, घर पर आना जरूर देने के लिए। हाँ, तेरा राज भेज रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मॉम के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई देख लेगा, तुम पागल हो क्या? Listen, एक obedient boy तो बन रहा हूँ। मम्मी ने क्या कहा? कि पकड़ के रख। अब तुम पकड़ो या मैं पकड़ो, what's the difference? पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? कोई देख लेगा। We can't take that risk. रुको, फोन बज रहा है मेरा। हटो। हेलो। हाँ 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 हाँ, go ahead with that. बिजनेस में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। गो अहेड। ओके। सिर्फ बिजनेस में ही क्या, रिस्क इश्क में भी लेना पड़ता है। क्यों मैं, तुम पागल हो क्या? अदिति और रोहन का रिश्ता बिल्कुल अलग। अदिति रोहन की बॉस थी और रोहन अदिति के बॉस का बेटा। इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड आई नो, जब तक आपके प्यार में वो कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आशिकी करने का मजा ही नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये सब शुरू हुआ था अबाउट कुछ 9 महीने पहले। अदिति। Yes, sir. I'd like you to meet my son Rohan. Rohan Singhania. And Rohan, that's Aditi Sahai. Hamari company ki nayi MD. You'll be working under her. Excuse me. Nice to meet you, Rohan. The pleasure is all mine. इस कंपनी के चेयरमैन के बिगड़े हुए बेटे, द स्पॉइल्ड ब्रैट। हां, इसका मतलब मेरे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं वो सच है। और तुम हो वो एमडी जो अकॉर्डिंग टू माय डैड हमारे कंपनी के टर्नओवर को एक ही साल में बदल कर रख देगी एंड ऑल दैट जैज। हां, कंपनी को भी और अब ऐसा लगता है कुछ लोगों को भी, ऐसे लोगों को जिन्हें काम करने की अच्छी आदत से काफी नफरत है। हे लिसन लिसन, मुझे ब्लेम करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं बड़े काम की चीज हूँ। अच्छा, और वैसे भी हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो मेरे बाकी के टैलेंट्स के बारे में तुम्हें पता चल ही जाएगा कुछ ही पलों में। अंटिल देन आई वाज वंडरिंग, मैं बाहर जा रहा हूँ जस्ट फॉर अ वॉक। यू वांट टू कम विद मी? आई मीन फॉर अ वॉक? नहीं देखो, अब हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, वी शुड नो ईच अदर like MD employee, you know, relationship. क्या है ना कि कुछ लोग इस पार्टी में सिर्फ फ्लर्टिंग करने आए हैं, सम पीपल इस पार्टी में सिर्फ काम करने आए। सो ऑन दैट नोट मिस्टर रोहन सिंघानिया, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। आई शैल सी यू अराउंड अगेन। द प्लेजर वॉज, आई नो दैट, सी यू अराउंड। Hi, Aditi. Sai. He's so cute. What? रोहन, तुम
कर रहे हो यहाँ? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। That's why quiet. मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए I've got you something. मैंने कुछ नहीं देखा। रोहन, ये सब क्या है? Relax, there's more. Light. तुमने lights क्यों बंद की रोहन? और अब ये क्या है? ओ गॉड, रोहन तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस है ये। रोहन स्टॉप स्माइलिंग। रोहन कम। नो कम। नो, व्हाट आर यू डूइंग रोहन? कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। कोई नहीं देखेगा। जब ऑफिस में कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और मेरे। 9 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करता एक्सेप्ट यू एंड मी। रिपोर्ट अगर हम पार्टी करने नहीं जा सकते, पार्टी तो हमारे पास आ सकती है। जस्ट यू मी। तो क्या कर रहे हो तुम पागल से? रोहन, व्हाट आर यू डूइंग? रोहन गेटिंग ड्रंक? कम ऑन आदिति, पागल ही हो गया। Where's Aditi? So I don't know, maybe she's outside. I'll find out this. She's never this late at work, surprising. Sir, madam kal raat der tak kaam kar rahi thi. Shayad isliye. I see. Sir, madam ki gaadi bhi parking lot mein hai. Kahan ho sakti hai?
एक्सक्यूज मी, अदिति का मैसेज है। ओके शी जस्ट स्टेप्ड आउट फॉर ब्रेकफास्ट। ओ चलो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू वर्क। बेचारी मैडम पूरी रात काम कर रही है। Oh my God. मुझे हार्ट अटैक आ गया। You know what, Aditi? Last night was amazing, but this moment, legendary. आदिति, आदिति सुनो, आदिति, अरे कम ऑन चलो कॉफी पीने चलते हैं। देखो रोहन, आदिति क्या कर रहे हो तुम, देख नहीं रहे हो कितना काम, ये सब भी शाम में हो रोहन, शट ऑल, वेरी फनी रोहन, डैम इट तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, कल सुबह इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन करनी है, यू नो दैट, व्हाई यू ऑलवेज सो चाइल्डिश, I mean, come on! तुम्हें खुद पता है हमें कितना काम सबमिट करना है, कल तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। What is wrong with you? ज्यादा हो गया रोहन, सॉरी, वेरी सॉरी, वैसे सॉरी बोलने का एक और तरीका है मेरे पास। मामा मैं मेरे फ्रेंड के वहां जा रहा हूँ और खाना भी वही खाऊंगा, आई विल बी लेट। जब भी मुझे लगता है तू थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया, यू ऑलवेज प्रूव मी रॉन्ग। अब क्या हो गया, ये क्या तरीका है रात भर बाहर रहने का, हाँ 27 का हो गया है तू, यू शुड गेट मैरिड नाउ। मैं मिसेस शर्मा की भांजी आ रही है और वो संडे को हमारे घर पे लंच पे आ रहे हैं। माँ प्लीज, वो भांजी वांजी से मैं नहीं मिलने वाला हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। देखिए आप दोनों, let me tell you one thing, मैं आप दोनों को एक चीज बता देता हूँ, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो मुझे पसंद करती है, the one who loves me, okay? Final. तो हमने का मना किया है, कोई है क्या? नहीं, of course not, Dad. लेकिन इस बार अगर तू ये बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सुन ले तू। Aditi, please do this for me. Do what for you, Rohan? तुम क्या चाहते? मैं जाके तुम्हारे मॉम डैड को कहूँ कि सर, मैम, आपका बेटा जो मुझसे 5 साल छोटा है, मुझे उससे शादी करनी है। Wow. How ridiculous! What's so ridiculous, यार? अरे कह देंगे कि मैं शादी करनी है। Simple. It's not that simple. You've lost it. तुम्हारे dad मेरे boss हैं. Please try and be practical, Rohan. Practical? Unbelievable. You know you're right. प्यार में practical ही होना चाहिए. मेरी तरह नहीं. Emotional fool. Rohan, please don't be like this. Try and understand. Understand what, Aditi? इतने दिनों से क्या था ये सब, तब तुमने नहीं सोचा प्रैक्टिकलिटी के बारे में, चीजें सब अभी ऐसी जैसी तब थी, नथिंग स्टॉप्ड यू देन, व्हाट्स स्टॉपिंग यू राइट नाउ, तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? रोहन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, शादी मेरे लिए बहुत सीरियस डिसीजन है। इसका मतलब तुम मेरे, यू आर नॉट सीरियस अबाउट मी और अबाउट अस? रोहन, 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 तुम्हें लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिला है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने हर एक चीज के लिए स्ट्रगल किया है,
यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल किया है। तुम जानते हो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे डैड जो इस कंपनी के चेयरमैन है हर छोटे हर बड़े डिसीजन के लिए मुझ पर डिपेंड करते हैं। जानते हो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है वो। आई एम सो गॉड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज इस मकाम पर पहुंच गई हूँ। कल अगर हम जाके तुम्हारे डैड को ये कहेंगे कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, यू नो व्हाट ही इज गोना थिंक? ही इज गोना थिंक कि ये पूरा मेरा एक प्लान था इस कंपनी की मालकिन बनने का। और फिर जानते हो फिर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगर लोग क्या कहेंगे ये जस्ट टू मी वंस, क्या तुमने कभी भी हमारे फ्यूचर या हमारी शादी के बारे में सोचा? प्लीज ऐसी बातें मत कर। यू नो आई लव यू, यू नो आई लव यू अ लॉट, जस्ट दैट मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। और अदिति मुझे इस रिलेशनशिप को भी मेरी बाकी रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना चाहिए था, जस्ट कैजुअल। अब मुझे पता चल गया कि तुम जैसी औरतें मुझ जैसे लड़कों को, आई मीन यू गाइस जस्ट वांट टू यूज अस फॉर गुड फन, राइट? नॉट जिस कंपनी में तुम काम करती हो उस कंपनी के मालिक का बेटा हूं मैं। अब मुझे पता चल गया कि तुम जैसी औरत मुझे से लड़कों को, you guys just want to use us for good fun. इस कंपनी में तुम काम करती हो तो इस कंपनी के मालिक का बेटा हूं। कब द फोन वॉइसमेल पे क्यों जा रहा है? नॉट द बेस्ट। I love you so much. Okay, bye. One drink. Love. जब दारू इतनी चढ़ती है तो अंग्रेजी नहीं देसी पीनी चाहिए। वैसे भी तुम अभी इतने आउट हो कि मैं तुम्हें स्कॉच की जगह सस्ती वाली भी पिला दूंगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अपने बिजनेस सीक्रेट ऐसे ओपनली रिवील नहीं करते। वेल, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि ये सुनने के बाद तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं। काफी रातों से देख रही हूँ, रोज इसी टेबल पे आके बैठ जाते हो। थकते नहीं हो? ये भाई।
वेट वेट, आई विल ड्रॉप यू। नॉर्मली लड़के ऐसे अकेले बैठ के ड्रिंक तब करते हैं जब उनका हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप टाइम्स। मेरे रिलेशनशिप स्टेटस में कोई इंटरेस्ट है तुम्हें? मैड और व्हाट? मैं इन चीजों से बहुत दूर आ चुकी हूँ। बचपन में बचपन वाली बात। हाउ ओल्ड आर यू? मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आई एम 23। डेटिंग कब शुरू किया था? व्हेन यू वर लाइक इन केजी? ना, आई वाज 14, बट नाउ आई एम ओवर दीज थिंग्स। यू नो व्हाट, मैं भी तंग आ गया हूँ ऑल दीज रिलेशनशिप्स। व्हाट इज योर नेम? चार्ली। चलिए चलिए, काम करते हैं। Let's go back inside. Let's get drunk. Seriously. नहीं यार, drinking and all, I'm done with it. Been there, done that. मुझे लगता था इन सब में खुशियाँ मिलती है, but बाद में realize किया कि अगर हमें कोई खुशियाँ दे सकता है, तो वो हम खुद हैं। चले? हेलो बेटा, लैंडलाइन पर कोई फोन आया था तुम्हारे लिए। यू हैव गॉट द अपॉइंटमेंट, आई न्यू इट। आज तक यू हैव नेवर फेल्ड इन एनी इंटरव्यू। आई एम प्राउड ऑफ यू अदिति। थैंक यू पापा। हेलो स्वीरी, हाय, आई एम सो सॉरी फॉर लास्ट नाइट। तुम पर यू नहीं चिल्लाने था, कंप्लीटली माय फॉल्ट। तुम चिंता मत करना, मम्मी से मैं बात कर लूंगा, ऑलराइट? Hi, I'm so sorry for last night. तुम पर यूँ नहीं चिल्लाने था, completely my fault. तुम चिंता मत करना, मम्मी से मैं बात कर लूँगा, all right? ये voice message तुम सुन रही थी? I'm so sorry. मैंने realize नहीं किया मेरा phone speaker पे था. I'm really sorry. Hey, हम पहले भी मिल चुके हैं. Wait, washroom में, right? I'm sorry, I know it's none of my business. But you know what? इतना प्यार करती हूँ उससे, उसके वॉइस मैसेजेस बार बार सुन रही हूँ, जैसे कि कोई हिट सॉन्ग हो। सब दिखाई देता है that he loves you too. Then what is the problem? If he's the same guy, go for him. आप नहीं समझेंगी, it's not that easy. You know, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? पूरी जिंदगी अकेले रहना। जब जिंदगी में रिश्ता खास होता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। बिफोर इज टू लेट, जस्ट गो। ओ गॉड, ये लड़का भी ना हाथ धोती है किसी चीज की। उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाउ कैन यू कम होम सो ड्रंक? कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। वो मिसेस शर्मा की भांजी आ गई है, कम ऑन, गेट अप। जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, नंगे मत आना, शर्ट पहन कर आना, ठीक है? यू गॉट नो चॉइस, आई एम सॉरी। यू गॉट नो चॉइस, आई एम सॉरी। प्लीज लीव मी। चाली, तुम? वगैरह चाली। कौन थी वो?
my past, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता. I just don't talk about it. Why? अरे what why? Just. पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने past को अपना present बना दिया. तुम उसे अभी भी नहीं भूली. और तुम इस तरह से move on नहीं कर पाओगे. You're still not out of her. I know, but I'm trying. और ऐसा नहीं, मैं अभी भी उसे बहुत. You know what? Like I just. रोहन कभी भी किसी रिलेशन को ऐसे हाफ बेक्ड अनरिजॉल्व्ड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक दूसरा समझ ही नहीं आएगा. यू कांट मूव ऑन लाइक दिस. या मिस नोरो, तुम तो 14 साल की उम्र से ही डेट कर रही हो, तुम्हारी तो आदत हो गई मूव ऑन करने की. सी इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू मूव ऑन. मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि सिर्फ इट्स ओवर बोलने से कोई रिलेशन खत्म नहीं हो जाता. कोई रिलेशन खत्म तब होता है जब जब हम कंप्लीटली उससे बाहर आ जाते हैं. No, not too much, क्या? एक बात बताओ मुझे, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई स्पेशल नहीं जिसे तुम बहुत प्यार करती हो? Someone, I mean, you give your heart to. Not really. First boyfriend, school time में था. हमारे स्कूल का basketball player था. But then my second boyfriend. अच्छा था, but ज़्यादा चार्ली और अदिति में बहुत फर्क है. अदिति हैप्पी जॉब, हैप्पी पेरेंट्स, बट कहीं ना कहीं उसमें दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि शी वाज अ लिटिल इनसिक्योर. और दूसरी तरफ थी चार्ली, कॉलेज ड्रॉप आउट, बारटेंडर. आई थिंक इन दो चीजों को सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा चार्ली की पर्सनैलिटी का. रोहन के टूटे दिल को चार्ली ने सहारा दिया और कहीं ना कहीं चार्ली अब रोहन से प्यार भी करने लगी. तभी तो जब रोहन की फैमिली ने उसे फोर्स किया कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने एक झटके में हाँ कह दी चार्ली से शादी करने की. थैंक यू. आप लोग आज हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं, हमें बेहद खुशी है इस बात की. अब आइए, मेरा बेटा रोहन सिंघानिया चार्ली से रिंग्स एक्सचेंज करेगा. Happy? Of course. Yeah, of course. बहुत झूठा था. But don't worry, you will be happy eventually. I know. You know what? मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद. You're so positive about life. Yes, I am. रोहन, सी कौन आया है? तुमने इन्हें अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया होगा ना, तभी तो इतनी दूर से आई हैं ये. आइए आइए. मीट माय डॉटर इन लॉ चार्ली. Hi. Congratulations. Thank you. Congratulations, Rohan. Yeah. I'm so sorry अगर मुझे पता होता कि आप लोगों की एंगेजमेंट है तो मैं. अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दो दिन में शादी है और आपको सारे फंक्शन अटेंड करने. है ना रोहन? यहाँ क्या कर रही हो? I'm sorry. मैं यहाँ तुम्हारी engagement disrupt करने नहीं आई थी. But unfortunately, that's exactly what you've done.
deep. How could you have? I loved Aditya. But tumne mere sa- You know what? तो मैं देखता हूँ ना तो अपने आप पे गुस्सा आता है मुझे उन हर एक मिनट हर एक सेकंड पर जो वेस्टेड ऑन यू तुमने मुझ पे वेस्ट किए रोहन 3 महीने हुए हमें अलग हुए हुए एंड यू आर द वन दैट्स गेटिंग मैरिड अमीर बिजनेसमैन की बेटी है शायद इसलिए प्लीज डोंट अब क्या हुआ रोहन उन बड़ी बड़ी बातों का उन प्रॉमिसेस का खैर गलती मैंने की सजा भी मुझे ही मिल रही है But you know what, Rohan? वो हर एक पल जो मैंने तुम्हारे बिना बिताया उस हर पल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नफरत की है और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं I hope you have a great life ahead, Rohan. I really do. And I'm really sorry, Rohan. If I ever hurt you. I really am. Take care. मेरे अच्छे खासे प्लान पे पानी फेर दिया बिल्कुल हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह एंड मोमेंट पे एंट्री मारी और तुम्हारे फेस पे ना बड़ा बड़ा बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा था दैट यू आर मैडली इन लव विद रोहन बट रोहन कुडंट सी इट ईगो बट आई कुड इस तरह से तुमने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में इतना बड़ा ब्लंडर कर लिया एंड यू आर आस्किंग मी कि मैं यहां क्या कर रही हूं वाओ Superb. Don't worry, Charlie. मैं यहाँ तुम्हारी शादी तोड़ने नहीं आई शादी की बात कर कौन रहा है तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की एमडी थी ना तो क्या तुम्हें अब समझ आया कि रिश्ते संभालना कंपनी संभालने से बहुत मुश्किल है अरे यू गाइस आर सो इमैच्योर यार जस्ट बिकॉज चीजें वैसी नहीं है द वे यू गाइस वांटेड इट टू बी तुम दोनों ने गिव अप कर लिया Talk it out, sort it out. It's simple. चार्ली, ये लेक्चर जो तुम मुझे दे रही हो ना अपनी उम्र की लड़कियों को जाकर दोगी तो शायद बेहतर होगा और अब अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया प्लीज लीव I won't. ना तो तुमसे पूछ के आई थी नहीं जाऊंगी तुम्हें मुझे निकालना होगा रोहन की जिंदगी से आई नो मैं तुमसे बहुत छोटी हूं कहां तुम इतनी बड़ी कंपनी की एमडी और मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आई एम अ बारटेंडर कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन कोई भी फेस तुमसे बेटर तरीके से हैंडल कर लूंगी आई नो यू गाइस आर मैडली इन लव विद ईच अदर अदिति तुम्हारे पास अभी भी टाइम है ले जाओ रोहन को मुझसे क्योंकि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो रोहन तो क्या
मैं तुम्हें रोहन की परछाई भी नहीं छूने दूंगी। Excuse me, guys. I need a moment with Rohan. Can you excuse us, please? Aditi, तुम यहाँ चुप रहो। कुछ मत बोलना। You know, मैं हमेशा सोचती थी कि दुनिया में एक इंसान है जो मुझे हमेशा समझे। And that's you. लेकिन नहीं, तुमसे बेहतर तो मुझे चार्ली ने समझा। What? चार्ली? हाँ, चार्ली। चार्ली कहाँ? मिलने आई थी वो मुझे, और चार्ली ने मुझे बताया कि हम दोनों कितने स्टूपिड हैं जो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करोगे? नहीं, कुछ सोचा। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये सुना तुमने अपने आप को कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? डू यू रिमेम्बर तुमने मुझे आखिर में क्या बोला था? तुमने मुझसे कहा that I used you for good fun. I mean, what were you thinking? गलती तुम्हारी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि I am at fault. Because you are at fault. धोखा तुमने मुझे दी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा। शराबी मैं बना। But I am selfish. वो सारी गलती मेरी है। Unbelievable. अच्छा सुनो, अब हमने बहुत लड़ाई कर ली, जल्दी से सॉरी बोलो एंड फिनिश दिस। What? मैं? I'm not gonna say sorry. अरे क्योंकि गलती तुम्हारी है तो सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा ना। I will not. Okay fine then, I'll leave. You can't leave. Okay fine, if you're not saying sorry, तो फिर मैं जा रही हूँ। That's not fair. Okay, I'm sorry. I miss you. I love you. अच्छा सुन, मैंने सॉरी कहा, एटलीस्ट तुम भी थोड़ा सॉरी कह सकते हो। थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी है। नाउ दैट वी बैक टुगेदर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। एक तो ये कि वुमेन आर ऑलवेज राइट, और दूसरा ये कि लड़कियां कभी सॉरी नहीं बोलती। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बार बार तुम्हें छोड़ के जाऊं, जस्ट एक्सेप्ट दैट ना। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। ये आशिकी गुस्ताखी, ये आशिकी बेवफाई, ये आशिकी चेंज।